हम भारतीय जनता पार्टी बहुमत की ओर अग्रसर है हरियाणा के अंदर। हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि अगले आधे घंटे के अंदर जब ये ट्रेंड जो हैं बाकी बैलेट खुलेंगे और रिजल्ट आने शुरू होंगे, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा के अंदर सरकार बनाएगी और जम्मू कश्मीर के अंदर हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होते हुए 35 सीटें हम जीतेंगे। इस समय जो है हरियाणा की तस्वीर साफ होते हुए नजर आ रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक मेजर शिफ्ट हमें हरियाणा के राजनीति के अंदर देखने को मिला। बताया जा रहा है जो वोट बैंक का एक पूरा वर्ग था, उस वर्ग ने तुरंत कांग्रेस की ओर से बीजेपी की तरफ शिफ्ट किया है, जिसके बाद से जो तस्वीर है इस समय हमें हरियाणा में बनती हुई नजर आ रही। इसी पूरे मामले को लेकर इस समय बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरीश खुराना जी मौजूद है। बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिर किस तरह से आगे आने वाले नतीजों को बीजेपी इस समय देख रही है। इस समय हमारे साथ भाजपा की ओर से हरीश खुराना जी मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। सर, आज रुझान आ रहा है एग्जिट पोल में, साफ तौर पे इस समय टक्कर बताई जा रही है आपके और कांग्रेस के और विपक्षी पार्टियों के बीच में, क्या कहेंगे सर? देखिए, जो हमें फीडबैक आ रहा है और जो अब बहुत सारे चैनल्स दिखा भी रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी बहुमत की ओर अग्रसर है हरियाणा के अंदर, हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि अगले आधे घंटे के अंदर जब ये ट्रेंड जो हैं बाकी बैलेट खुलेंगे और रिजल्ट आने शुरू होंगे, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा के अंदर सरकार बनाएगी और जम्मू कश्मीर के अंदर हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होते हुए 35 सीटें हम जीतेंगे और लाइक माइंडेड जो इंडिपेंडेंट्स हैं उनके साथ हम सरकार बनाएंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, में पूर्ण रूप से विश्वास है। और जिस प्रकार से हम लोग हमेशा मैंने कहा है कि जनता की जीत होती है, हम लोग दूसरे लोगों की तरह नहीं है कि हारे तो ईवीएम के ऊपर आरोप देंगे। हमेशा हम हम्बली एक्सेप्ट करते हैं, चाहे जीत हो चाहे वो हार हो। आज अगर जनता ने हमें समर्थन दिया है, जनता ने हमें प्यार दिया है, उनका सहर्ष दिल हृदय से धन्यवाद हम करेंगे हमेशा के लिए। अगर बात हम जम्मू कश्मीर की करें तो उसको लेकर क्या कहेंगे, वहाँ पर भी रुझान थोड़ी जो ट्रेंड है जो हमें फीडबैक है नीचे से कि हमें 35 सीटें के आसपास हम लोग वहाँ जीतेंगे और उसके बाद हम लाइक माइंडेड जो वहाँ इंडिपेंडेंट जीतेंगे आएंगे उनके साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, हमें विश्वास है। लेकिन अगले एक घंटे डेढ़ घंटे के अंदर तस्वीर और क्लियर होगी। एक बार तस्वीर क्लियर हो जाए सब सामने आएगा। जैसे कि अभी आपने देखा हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरीश खुराना जी मौजूद रहे, उन्होंने तमाम बातें रखी, बताया कि इस तरह से तो उनको फीडबैक मिल रहा है। इस समय हरियाणा में अभी जो साइंस हैं वो पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, जो एक तस्वीर है वो हरियाणा में साफ होती हुई नज़र आ रही है कि भाजपा वहाँ पर आगे की ओर बढ़ सकती है। लेकिन अगर बात जम्मू कश्मीर की करें तो वहाँ पर अभी भी कुछ भी कहना साफ तौर पर सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पर अभी भी जो मसला है, जो अभी भी जो कॉम्पिटिशन है, जो अभी वहाँ पर मामला चल रहा है, उसको लेकर अभी कुछ साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता। इस पर मामले को लेकर आपको क्या सोचना है हमें जरूर बताएं। तब तक बने हमारे साथ पंजाब केसरी में। कैमरा पर्सन यश के साथ खुशी राणा, पंजाब केसरी दिल्ली।